कि हमारे दुखों का इलाज, हमारे गमों का मुदावा, हमारे मसाइल का हल हमारे परवरदिगार ने, जिसने हमको पैदा किया, हमको पानी दिया, हमको रोजी दिया, हमको कपड़ा दिया, दुनिया की सारी चीजें दी, उस पालनहार ने हमें दुनिया के मसाइल से निजात दिलाने के लिए, इस दुनिया के बाद वाली दुनिया में कामयाब होने के लिए एक बहुत जबरदस्त इंतजाम फरमाया, शरीयत और किताब उतारी और उसे पहुंचाने समझाने के लिए रसूलों को मबरूस किया। उस सिलसिले की आखिरी कड़ी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह की किताब ने बताया कि दुनिया बरज़ख और आखिरत के दुखों से निजात पाने का वाहिद बुनियादी नुस्खा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला के हक को सबसे बुनियादी तौर से पहचान लिया जाए। जिस मकसद के तहत अल्लाह तबारक व तआला ने इंसो और जिन को पैदा किया, जिनों और इंसानों को, वो क्या है, उस मकसद को समझ लिया जाए, उस मकसद को अपना लिया जाए, उसके माना और मफहूम, तकाजों और शरायत को अपनी जिंदगी में, अपने बातिन और जाहिर में नाफिज कर लिया जाए, तो जिंदगी के तीनों मराहिल के, हमारी जिंदगी के तीनों मराहिल के मसाइल हल हो जाएंगे। वो मकसद क्या है, अल्लाह ने फरमाया, आपने बारहा सुनी है आयत, वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अल्लाह ने फरमाया कि मैंने जिनों को और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वो दुनिया के तमाम झूठे माबूदान की, देवी देवताओं की, गैर बातिल मजाहिब की परस्तिश और पैरवी को छोड़कर सिर्फ अपने सच्चे पैदा करने वाले रब्बुल आलमीन को इलाह बरहक, माबूद बरहक और पुज्जनी मानकर सिर्फ उसकी पूजा करें, उसके सामने सरेंडर हो जाएं, अपने आप को उसके हवाले कर दें। उबूदियत का जामे माना यही है कि हर वो काम जो अल्लाह तबारक व तआला पसंद करता है, हर वो कौल जो अल्लाह तआला पसंद करता है, वो जाहिरी हो या बातिनी हो, वो इबादत में शुमार होता है, और इबादत का जो भी अमल है वो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए किया जाए। इसी मकसद के तहत जिन्नों और इंसानों को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया, इसी मकसद के लिए जन्नत व जहन्नम बनी, इसी मकसद के लिए, इसी की बुनियाद पर अच्छे और बुरे इंसान में फ़र्क होता है।